कितना बड़ा बिजनेस है शादियों का, इसे भी समझ लेते हैं। विनी ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, विनी के पास चलते हैं। विनी, क्या क्या डिटेल्स हैं आपके पास? 32 लाख शादियों का नाम सुनते ही मन में तो बहुत आ रहा है कि किसी शादी का इनवाइट हमें भी मिले, लेकिन फिलहाल आप पहले ये बता दीजिए कि इसमें से अगर हम बिजनेस वाइज कैटेगरीज को देखें तो कितना बड़ा बिजनेस कौन सी कैटेगरी को मिलता है? एब्सोल्युटली, तो पहले यू नो 32 लाख वेडिंग, उसकी जो रेवेन्यू जनरेशन एक्सपेक्टेड है ये टाइम अराउंड 3.75 लाख क्रॉस की रेवेन्यू एक्सपेक्टेड। ये सिर्फ वेडिंग बिजनेस से जो रेवेन्यू ओवरऑल जनरेट होगी, और 32 लाख वेडिंग्स बहुत ही ज़्यादा होती है। ये नेक्स्ट 1 मंथ में ही एक्सपेक्टेड है कि ये वेडिंग्स होगी। उसके अलावा यू नो ओवरऑल सिर्फ दिल्ली की बात करें, जो अजय भी बोल रहे थे, 75,000 करोर की ऑलमोस्ट रेवेन्यू और बिजनेस एक्सपेक्टेड है सिर्फ दिल्ली में दिस टाइम अराउंड। और लास्ट ईयर ऑलरेडी 25 लाख वेडिंग्स हो चुकी थी, तभी ऑलरेडी हम लोग ने क्लॉक कर लिया था बिजनेस अराउंड 3 लाख क्रॉस जो वेडिंग बिजनेस था। अभी बात करते हैं दूसरे बिजनेसों की, तो ऑब्वियसली यू नो फैशन बिजनेस होता है, कपड़े बिकते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर बिक्री कपड़ों की होती है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 11-15% जो कॉस्ट होता है वो क्लोथ में होता है, तो फैशन में होता है। तो ऑब्वियसली रिटेलर्स, फैशन मार्केट, दैट इज वन फैक्टर जो वॉच आउट करेंगे। उसके अलावा वेडिंग टूरिज्म, अभी तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी काफ़ी सारी हो रही है, तो वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है मार्केट अराउंड इंडस्ट्री वो 45,000 करोड़ की इंडस्ट्री, और ग्रोथ रेट उसकी एक्सपेक्टेड है 25-30%। उसके अलावा होटल्स की भी काफ़ी सारी बुकिंग्स होती है बिकॉज हनीमून स्टेज होते हैं, तो वहाँ पे भी अराउंड 3.5 लाख क्रॉस की एक्सपेक्टेड है वहाँ पे स्टेज और इंडस्ट्री, और अराउंड 36,000 करोर की मार्केट शेयर ऑलमोस्ट ये हनीमून ट्रैवलर्स और होटल बुकिंग्स की होती है। उसके अलावा ज्वेलरी बिजनेस, ऑब्वियसली ज्वेलरीज की सेल ज़्यादा होती है, और अकॉर्डिंग टू कल्याण ज्वेलर्स की जो प्रेजेंटेशन थी उन्होंने हाईलाइट किया था कि वेडिंग ज्वेलरी सेल्स ऑलमोस्ट 60% ऑफ उनके जो बिजनेस होते हैं वहाँ ऑलमोस्ट वेडिंग सीजन में ही बनते हैं। उसके अलावा होती है ड्यूरेबल मार्केट, कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट्स में भी ऑब्वियसली गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए काफ़ी सारे यू नो न्यूली वेड्स भी बाई करते हैं काफ़ी सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, डेकोरेशन प्रोडक्ट्स में होते हैं, वेन्यू डेकोरेशन, इन्विटेशंस होती है, तो अब तो ई इनवाइट भी हो रहा है पर उसकी भी थोड़ी कॉस्टिंग होती है, और ब्राइडल मेहंदी होटल रिलेटेड, तो ये काफ़ी सारी ऐसी सेक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट होते हैं और इनका बिजनेस काफ़ी बढ़ जाता है ड्यूरिंग द वेडिंग सीजन। शुक्रिया ये सारी जानकारी के लिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो